एक शख्स सेकंड हैंड अलमारी खरीद कर घर लाया, लेकिन जैसे ही उसने इसे खोल कर देखा वो चौंक गया। दरअसल अलमारी में से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश निकला। इस अलमारी को उसने ऑनलाइन साइट ईबे से खरीदा था। इस शख्स का नाम है थॉमस हेलर, जो जर्मनी के बिटरफील्ड का रहने वाला। डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक थॉमस ने किचन में सामान रखने के लिए एक सेकेंड हैंड अलमारी की खरीदारी की थी। इसके लिए उसने 19,000 रुपए चुकाए थे, लेकिन कैबिनेट खोलते ही उसकी लॉटरी लग गई। दरअसल इस कैबिनेट के अंदर से उसे 2 बॉक्स मिले, जिनको खोलने के बाद उसके अंदर से 1,19,00,000 रुपए कैश निकला। हालांकि थॉमस ने इन पैसों को अपनी जेब में रखने के बजाय स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया, ताकि पैसे उसके असली मालिक के पास पहुंच पाए। पुलिस ने इसके बाद जांच कर पता लगाया कि ये पैसे 91 साल की एक बुजुर्ग महिला के हैं। अलमारी की पहली ओनर भी वही थी। उसके पोते ने अलमारी को बेचा था, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था कि उसमें बुजुर्ग महिला ने कैश रखा है। आपको बता दें कि जर्मनी में खोए हुए पैसों जिनका मूल्य 1,000 रुपए से ज्यादा हो, उसे अपने पास रखना एक जुर्म है, और दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की जेल हो सकती है। हालांकि कानून ये भी कहता है कि ईमानदारी से पैसे लौटाने वालों को इनाम भी दिया जाएगा। ऐसे में थॉमस को कुल धनराशि का 3% इनाम के तौर पर दिया गया, यानी उसे 3.5 लाख से ज्यादा रुपए इनाम के तौर पर मिले। अब इसे कहते हैं सही मायनों में लॉटरी लगना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।